नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटा। हम सभी के लिए दो बुरी और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि देश में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी ये कि मौत का आंकड़ा आसमान छू रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज आंकड़ों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 3,32,320 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब देश में एक दिन के अंदर 3 लाख से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है। इससे पहले बुधवार को 3.25 लाख लोग संक्रमित पाए गए थे। दूसरी चिंता की बात ये भी है कि मौतों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। गुरुवार को एक दिन के अंदर 2,200 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब नजर डालते हैं कोरोना की अपडेट्स पर। कोरोना से एक दिन के अंदर मरने वालों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इससे पहले बुधवार को 2,101 और मंगलवार को 2,021 मौत हुई थी। इस मामले में अब भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। मतलब हमारे यहाँ दुनिया के और देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा मौत हो रही है। ब्राजील अब दूसरे नंबर पर है। तो वहीं एक दिन के अंदर 1,92,000 लोग ठीक भी हुए। दो बुरी खबरों के बीच राहत की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,90,180 लोग ठीक हुए। पिछले साल से लेकर अब तक ठीक होने वालों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इससे पहले बुधवार को 1,90,000 लोग रिकवर हुए थे। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना के बढ़ते मामलों पर हालात की जानकारी ली है। अधिकारियों को ऑक्सीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें हालात का जायजा करते हुए कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में 5 मई के बाद 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी की कोरोना रिपोर्ट गुरुवार को पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तिवारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे पिछले 2-3 दिनों से हल्का बुखार था, आज टेस्ट कराया तो मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वही खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विराट वेस्ट में स्थित विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के वक्त आईसीयू में 15 मरीज थे और पूर्व अस्पताल में 90 मरीज भर्ती थे। इनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 21 मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग लगने की घटना शुक्रवार रात 3:25 की है। आग पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह से एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मरीजों के परिजन का आरोप है कि अब आग लगी तो हॉस्पिटल का स्टाफ मरीजों को अंदर छोड़कर बाहर भाग आया था। ऐसे में उन्होंने खुद अंदर जाकर मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त आईसीयू में 2 नर्स मौजूद थी। वहीं अस्पताल के सीईओ दिलीप शाह ने दावा किया कि रात में अस्पताल में डॉक्टर्स थे, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि हादसे के वक्त कुल कितना स्टाफ ड्यूटी पर था तो वो सही आंकड़ा नहीं बता पाए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।